मेरा नाम श्रीमती श्याम भसीन है। मैं अल्मोड़ा से आई हूँ। सबसे पहले मैंने हल्द्वानी में जब बाबा जी प्रकट हुए सन 1972 में, तो हम देखने गए उनको कि कोई बाबा आए हैं, बाबा आए हैं। तो जब हम गए कि बाबा को एक समाधि में देखा पेड़ के नीचे कठघरिया में, तो हमने प्रणाम किया और बाबा जी ऐसे मतलब ऐसे करके बैठे थे, सबका आशीर्वाद का हाथ करके। तो जब हम देख के आए तो मेरे मन में ये आया कि ये कोई आम बाबा नहीं है, ये कोई महान आत्मा है। तो ये मेरे मन के अंदर से ऐसा विचार आया। उसके बाद फिर हम तो अल्मोड़ा रहते हैं, वहाँ आ गए तो बाबा जी अल्मोड़ा आए, तो मैंने भी उनको अपने घर में बुलाया। बाबा आए, सब आए, तो उनके पहले अल्मोड़ा जिनके घर आए थे उनके घर से चल के मेरे घर में वो आए पूरे बाजार से नंगे पाँव। तो मैंने उनके पाँव पखारे रात में कच्चे दूध से, और वो दूध जो था उसमें इतना सभी कहीं पर कोई गंदगी का निशान नहीं था, वो चन्नामर था, हम सबने लिया। और बाबा कुछ देर बैठे, कीर्तन हुआ। उसके बाद मैंने बाबा जी से कहा, मैंने कहा बाबा जी घर बहुत छोटा हो गया, बोलो संगत। अरे क्या है, बन जाएगा, ऐसा शब्द बोला उन्होंने मेरे को। और उसके थोड़े दिन बाद ही हम मकान जो हमने खरीद लिया, बना हुआ मकान, नीचे दुकान थी। तो बाबा जी वहाँ नहीं थे, बाबा जी हल्द्वानी थे। तो मेरी जेठानी ने कहा कि उन्होंने तो मकान खरीद लिया है। बाबा ने नहीं पूछा कहाँ खरीदा बाबा। तो बाबा जी वहाँ से उनको कहते हैं, उनसे कह कि मकान जो है उसमें कुछ टेढ़ापन है, मतलब वो है, और हम उसको ठीक करना है। और उनसे कहना कि मेरा कमरा जो है हिमालय के सामने बनाएंगे। तो हमारे घर के सामने हिमालय का था, तो हमने जब मकान पूरा बना तो हमने उनका कमरा बनाया। उसके बाद मैंने कहा कि जब तक बाबा, ये मकान बाबा का दिया है, जब तक बाबा नहीं आएंगे मैं मकान में नहीं जाऊंगी। तो हम बाबा जी को लाए, वो 4-5 दिन तक हमारे घर में रहे, और आप विश्वास नहीं माने, बाबा जी के कमरे में रहे, कुछ नहीं खाते थे। सुबह हम एक गिलास वो बनाते थे अदरक पानी का बना के दूध का, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भेजते थे, वो वैसे के वैसा आ जाता था। 4-5 दिन में उन्होंने कुछ नहीं खाया। और ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस कि मेरे मन में आया कि ये तो वाकई कोई महान आत्मा है, जिन्होंने इतने दिन तक कोई जिंदा नहीं लिया था, कह सकते। तो उसके बाद धीरे धीरे अपना जो है मेरा उनके प्रति जो भाव थे बदलते गए कि ये नहीं इनकी है, तो मैं भी धीरे धीरे उनके उसमें रहे। एक बार बाबा जी वहाँ आए तो हमारे सब संगत आई हुई थी, तो बाबा जी ने इनसे कहा कुछ कराएं। तो मैंने कहा बाबा जी क्या कराएं, सावन का महीना था। तो मैंने कहा बाबा जी चलो शिव पुराण करा देते हैं। तो हमने बाबा जी टाइम दे दिया कि फलां दिन से होगा। तो मेरा बेटा लेके उनको आया, तो वो घर हमारा मतलब 3 मंजिला छोटा ही है। उसके बाद भी इतने दिन तक बाबा की वजह से सारा हमारा काम बाबा से संपन्न हुआ। और उतने दिन तक आप विश्वास नहीं कि सावन के महीने में एक बूंद बारिश नहीं बरसी, और खुले में सब कुछ हुआ। जैसे ही बाबा जी जाते गए उसके बाद जो है वर्षा शुरू हो गई। नीचे सत्संग हो रहा था, मेरा बेटा दुकान से ऊपर आया तो उसने देखा बाबा जी को गर्मी लग रही है, मैं पंखा लाऊं। और जैसे ही ऊपर जब सीढ़ियाँ चढ़ा तो पीछे से उनसे कहना कि पंखे की कोई ज़रूरत नहीं है। इसने मन में विचार किया कि पंखा लाऊं, और बाबा ने मना कर दिया। ये भी हमारे लिए अच्छी था कि बाबा को कैसे पता कि वो पंखा लेने जा रहा है। इसके बाद एक बार बाबा जी अमरनाथ स्वामी जी गए, तो मैंने बाबा जी से कहा बाबा पूछवाया कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी, तो बाबा ने मना कर दिया कि आप अमरनाथ नहीं जाओगे, आप पशुपतिनाथ जाओगे। तो मैं बैठ के, मैं कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद कुछ समय बाद मैं अमरनाथ स्वामी कि यात्रा का संबंध गया तो मैं चली उनके साथ। मैं जब वहाँ पहुँची तो मुझे वहाँ कोई दर्शन नहीं हुए, मतलब मैं गुफा में नहीं जा सकी, मुझे कोई दर्शन नहीं हुआ क्योंकि बाबा ने मना, और मेरे को ये याद नहीं रहा कि बाबा जी ने मना कर रखा है। जब मैं घोड़े के बैठ में वापस आने लगी तब मुझे आया, ओहो मुझे तो बाबा ने मना किया था। अब क्यों मना किया था, क्या किया था, मैं नहीं जानती हूँ। और वहाँ खड़ी होकर मैं ऐसे पागल की तरह देख रही हूँ, कहाँ है गुफा, कहाँ है गुफा, कहाँ, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आया। ये एक बड़ा एक्सपीरियंस था कि हमने बाबा की बात नहीं मानी और आज बाबा ने अपना वो करा दिया।
उसके बाबा जी का आना जाना कभी कभी बीच में आते थे, जब भी गए हम। एक बार हम लोग हल्द्वानी थे तो इनके कुछ फ्रेंड्स आए, मेरे हस्बैंड के, तो उनसे बात करी कि हैड़ा खान जगह है वहाँ जा। उसने कहा हम तो अभी जाते हैं, मुझे भी दिखाओ वहाँ पर। तो हम शाम के टाइम चल पड़े। आप तो जानते हैं हैड़ा खान हल्द्वानी से पैदल रास्ता, तब गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं होती थी। तो हम लोग गए तो हमने कहा देर हो गई है, वहाँ तो भोजन एक टाइम होता है और भोजन तो मिलेगा नहीं भाई, भाई आप ध्यान करोगे भोजन। जैसे हम लोग गए, बाबा को प्रणाम किया, गद्दी में बैठे थे, तो बाबा जी कहते हैं जाओ भोजन पाओ। तो हम एकदम हैरान हो गए कि बाबा ने कैसे जाना कि हम आ रहे हैं। उन्होंने पहले ऑर्डर कर दिया कि हल्द्वानी से आ रहे हैं, भोजन बना के रखना। हैड़ा खान जाने का मन था, तो मेरे हस्बैंड थोड़े सुस्त रहते थे, उनको हार्ट की तकलीफ थी, वो कहने लगे मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं नहीं चल सकता हूँ। पर मैंने बड़ा हट किया, मैंने कहा तो मान गए, चल गई। मैंने कहा आप घोड़े में जाना, हम लोग कैसे जाएंगे। और जैसे वहाँ मतलब पहुँचे तो बाबा जी वहाँ बाहर ही बैठे हुए थे और ये घोड़े में थे। बाबा जी वहाँ से उठ के और उठ गए, चले गए। मैंने कहा बाबा कहाँ जा रहे हैं, देखा तो उनको घोड़े से उतार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं नहीं चल सकता हूँ। वो नदी का सारा रास्ता तय कराया है, बिठाया। फिर मैंने उनके आगे फल रखा, मैंने कहा फल जो लाए थे, अरे छोड़ो इस फल को, हमारे घर का फल लाओ, हमारे खेत की, वो पपीता ला के। वो बच्चों की तरह, बेटा मैं क्या बताऊँ, मैं वर्णन नहीं कर सकती, जैसे ये माँ बाप बच्चों को करता है ना, ऐसे मेरे वो मेरे साथ बाबा की गाय थी, मैं कह नहीं सकती। तो हम 3-4 दिन तक वहाँ रहे। फिर बाबा जी ने लखनऊ जाना था, तो हम लखनऊ के लिए तैयार, उनके बाबा जी के तैयार हो, जब मैं जाऊँगा तब तुम जाओगे। और हम लोग हल्द्वानी पहुँचे, वहाँ लंगर था जिनके, वहाँ पर वहाँ लंगर खाया हमने। तो मैंने कहा बाबा जी अब हम जाएँ, तो कहने लगे नहीं अभी नहीं जाना है। और मेरी बेटी साथ ही थी, उसका मम्मी चलो अब तो खा लिया लंगर चले। मैंने कहा मैं बाबा से पूछे बिना नहीं जाऊँगी। मैंने कहा बाबा जाएँ क्यों, तुमको मिर्चे लग रही हैं बैठी हुई, ऐसे जोर से बोले। मेरे चुप हो गई, मैं नहीं जाऊंगी बाबा के, जब तक बाबा आ रहे, जब तक बाबा की गाड़ी का वो टाइम आ गया, अपना कार में बैठे और बाबा ने कहा अब तुम जाओ। तो ये लास्ट था कि बाबा ने कहा दर्शन कर लो मेरी अंतर्मात्मा। फिर मेरा और वहाँ से वापस आए, जैसे ही वो पहुँचे हैड़ा खान, तो बाबा ने समाधि ली। बेटा एक्सपीरियंस बहुत है, मैं एक ही गिनाऊँ तो किताब छपती है, पर मुझे लिए मैं अब कह नहीं सकती कि मुझे सभी को दिया है, पर मैं कहती हूँ मेरे को बहुत प्यार दिया बस, वो बच्चों की तरह बात। मेरी बेटी एक जब गए तो कहने लगे क्यों बेटी की शादी नहीं करनी है, उसके बाबा करनी है। अच्छा बस इतनी सी बात हुई और बाबा ने रिश्ता तय दिया कहाँ पर। मतलब हर चीज़ जैसे आपस में पूछी जाती है ना, एक माँ बेटे की आपस में क्वेश्चन होते, कह नहीं सकती। तो बेटा बहुत कुछ पाया है और अभी उनकी शरण में है, हमेशा उनको याद करते हैं, जब बुलाते हैं भोले बाबा की जय, बाबा क्षमा करना, कुछ भूल चुको तो माफ करना।